का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं दविंदर सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल हम आपको उन टॉपर्स के साथ मिलाते हैं जिन्होंने रिसेंटली यूजीसी नेट में जेआरएफ क्वालिफाई किया हो या फिर नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो। तो आज इस क्रम में हमें एक ऐसे स्टूडेंट को मिलाते हुए बेहद खुशी हो रही है जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो आगे चलकर उनके मार्क्स कितने हैं ये सरप्राइज है, ये जरूर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शिव आनंद द्विवेदी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शिव, आपको सबसे पहले जेआरएफ क्वालिफाई करने पर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। शिव आनंद, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, आपने अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की जी है? सर, मैं जालौन उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं होम टाउन यूपी से ही करी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आया था, जहाँ मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल किया पीजी के लिए। बट उस टाइम मुझे सर लॉकडाउन की वजह से घर जाना पड़ा और वो पीजी हो नहीं पाई। तो फिर मैं जब वापस आया, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में, तो फिर मैंने अपनी पीजी दोबारा से डिस्टेंस से करी है। और मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करता हूँ, मैंने अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के। 2023 में मैंने मेंस लिखा है यूपीएससी का, और यूपीपीसीएस के मैंने पहले दो मेंस लिखे हैं 2021 में और 20 में। जी शिव, शिव आपका ये यूजीसी का कौन सा सर प्रयास मैंने था? लास्ट ईयर यूजीसी का पहली बार दिया था, ये जो मार्च 2023 में हुआ था, तो उसमें मैंने 99.2 परसेंटाइल हासिल किए थे, जिसमें मुझे नेट क्वालिफाई हुआ था बट जेआरएफ नहीं हुआ था। 99.2 परसेंटाइल थी अराउंड मेरी। फिर मैंने सर दोबारा से जून में सोचा था मैं दोबारा से दूं इसे, बट मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो फिर मैंने उस वक्त नहीं दिया और मैं अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग गया था। फिर मैंने जब मेरा सितंबर में मेंस हो गया यूपीएससी का, तो मैंने सोचा कि अभी अभी वक्त ऐसा है जिसमें मैं जेआरएफ की तैयारी कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम दे सकता हूँ। तो फिर मैंने सर दोबारा से अक्टूबर में, नवंबर में दोबारा से जब फॉर्म आए तो मैंने भरे, और 6 दिसंबर 2023 को जो मैंने दोबारा से सर पेपर दिया इसका, तो मेरा जी सेकेंड अटेम्प्ट था। जी शिव, आपका स्कोर मैं जी जरूर बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आपके पेपर वन में 33 क्वेश्चन ठीक हैं और पेपर टू हिस्ट्री में अब तक के जी मेरे पास जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, जी वन ऑफ द हाईएस्ट आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मतलब 80 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 100 ठीक थे। तो कुल मिला के आपका जी स्कोर सर, बिल्कुल 226 बनता था। तो बहुत खुशी है आपसे बात करके। बच्चे भी चाह रहे थे, बच्चों के मुझे मैसेज बार बार आ रहे थे कि शिव आनंद जी से बात करके जानने की कोशिश करना कि उन्होंने पेपर वन को कैसे तैयार किया था और हिस्ट्री की तैयारी उन्होंने कैसे की थी। शिव, दोनों के बारे में बात करेंगे अच्छा आपसे। तो शिव, हमें पहले जी। अपने पेपर वन के बारे में बताइएगा कि आपने इसकी तैयारी कैसे की थी और किताब कौन सी थी आपके पास? सर पेपर वन में मेरी जो अप्रोच थी वो थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जो मैथ के और रीजनिंग के सवाल हैं। तो वैसे मैं सी सेट के लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी यूपीएससी के टाइम पे, और मैंने एसएससी सीजीएल भी दिए हैं, तो मुझे मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए कोई अलग से मेहनत करने की, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने मेरी जो वहाँ प्रैक्टिस थी वो यहाँ पर काम आ गई। और बाकी जो जीएस के क्वेश्चन है वो भी प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ते हैं, जैसे जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थे वो यूपीएससी के लिए जो मेरी नॉलेज थी वो मेरी काफी हद तक काम आ गई। बाकी सर जो शिक्षा शास्त्र के जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस थे उनके लिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग से पढ़ना चाहिए, बट मुझे लगा कि मुझे एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा और उसका रिटर्न काफी कम मिलेगा मुझे। तो फिर मैं उतना टाइम नहीं दिया और उसको वो जो टाइम था मैंने हिस्ट्री अपने सब्जेक्ट में पढ़ने में लगाया। तो मैंने उसके लिए तो मेरी बेसिक अप्रोच प्रैक्टिस की रही थी सर। जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपका सी सेट अच्छा है, और जैसे ही आपने जी सिलेबस सर। देखा उसमें आपने पाया कि कुछ क्वेश्चन डीआई से होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आपका अच्छा है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन और आप टैकल कर सकते थे क्योंकि आपने पहले से यूपीएससी की तैयारी में उसकी प्रेपरेशन कर रखी थी। और हिस्ट्री के लिए जी सर। आपका स्कोर इतना अच्छा है, हिस्ट्री में आपने तैयारी कैसे की थी? क्या कोचिंग ली थी किसी सर इंस्टीट्यूट से? मैंने इसके लिए तो कोई कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे बुक्स पढ़ी थी उसमें जो मुझे नॉलेज मिली, और फिर मैंने ऑप्शनल जब तैयार किया यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए, तो उसमें जो नॉलेज मिली मुझे वो काफी हद तक यहाँ काम आ गई। उससे मेरा क्या था कि जो बेसिक्स थे वो क्लियर थे,
और यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी हम लोग जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, या आरएस शर्मा पढ़ते हैं, या एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो ये जो नॉलेज थी वो काफी हद तक मुझे यहाँ मेरे जो बेसिक्स थे वो क्लियर थे इसी वजह से। वैसे भी इन जनरल अगर आप कोई भी एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं तो आपको जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो मैंने पहले सबसे पहले तो ये किया कि ये मैंने उसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लिया था, और फिर मैंने करीब 2-3 घंटे तक तो ये अच्छे से देखा कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आने हैं। तो मेरे हिसाब से सर किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन के 2 ही बेंचमार्क होते हैं, एक तो सिलेबस के पॉइंट्स और दूसरा जो PYQ पूछे गए हैं। तो एक तो सबसे पहले मैंने ये किया कि देखा कि क्या क्या की पॉइंट्स की टर्म्स दिए गए हैं, क्या क्या सिलेबस के पॉइंट्स हैं जिन्हें जिन्हें मुझे तैयार करना है ताकि क्वेश्चन पूछे जाएं तो मैं सॉल्व कर सकूं। फिर उसके बाद मैंने सर एक PYQ की बुक है, आर्य गुप्ता जी की जो पब्लिकेशन की बुक है सर, वो ली थी, और उसमें 2012 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर्स दिए गए थे। तो मैंने वो पहले तो एक बार सारे सॉल्व किए पेपर्स, और उसके बाद ये देखा कि जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पा रहे हैं या जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो एक पेपर के लिए मुश्किल से 1 या 2 पेज लगते थे, और जो शॉर्ट नोट्स जरूरी होते थे, जो क्वेश्चन पूछा गया और मुझे नहीं था आइडिया, तो वो मैं लिख लेता था। तो मैंने करीब 10 से 12 साल के पेपर्स के पूरे शॉर्ट नोट्स अपने रेडी रखे थे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे रिवाइज किए थे जब मैं एग्जाम देने जा रहा था। और जो बुक्स थी उनका मैंने 2 सोर्सेस रखे थे हर सेक्शन की हिस्ट्री से। जैसे एंशियंट इंडिया के लिए मेरा जो प्राइमरी सोर्स था वो रणवीर चक्रवर्ती जी की जो बुक है एंशियंट इंडिया की वो, और सेकेंडरी सोर्स मेरा आर एस शर्मा जी की जो बुक है, और मिडाइबल के लिए आर एस शर्मा और इरफान हबीब जी की, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और शेखर बंदोपाध्याय थोड़ी सी पढ़ी थी मैंने, और हिस्टोरियोग्राफी कि वैसे ई श्रीधरन जी की बुक अच्छी है, बट क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज दी गई है, वो सर के लिए काम की है नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो जो हिस्टोरियन के बारे में पिछले 10-12 साल में पूछा गया है, जैसे आर कोलिंगवुड जो हिस्टोरियन है उनके बारे में काफी बार पूछे गए क्वेश्चन, तो मैंने उन हिस्टोरियंस का नाम एक जगह लिख लिया और सिर्फ उन्हीं के बारे में उस बुक से पढ़ा, ताकि मेरा जो एफर्ट है वो बहुत ही कंसाइज हो, उतना ही हो जितना मुझे जरूरी है। तो सर मैंने बस इतना ही किया। स्टूडेंट्स, आपको भी मैं बता दूं कि इन्होंने पेपर वन तो वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट 10 का पेपर वन ऑलरेडी अच्छा था, लेकिन हिस्ट्री को लेकर हर टॉपर की, मेरे पास आज तक जितने भी टॉपर्स हैं, हर टॉपर की अलग अलग अपनी अप्रोच होती है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटजी होती है। तो इनकी जो स्ट्रैटजी थी उसमें एक चीज़ मैंने इनसे, अभी आपने भी सुना होगा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने PYQ के नोट्स बनाए थे। वैसे हम कहते हैं कि बुक्स पर आप नोट्स जी बनाओ, इन्होंने PYQ को इतने अच्छे से समझा और उसके नोट्स बनाए। देखिए, इन्होंने सिलेबस को भी बहुत अच्छे से पढ़ा, पहले सिलेबस देखा कि सिलेबस में पूछा क्या जाता है, उसके बाद इन्होंने PYQ को देखा कि कौन से क्वेश्चंस इनको आते हैं, कौन से क्वेश्चन इनको नहीं आते, जो नहीं आते उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, बुक में देखा, पढ़ा, और उसके बाद उसके नोट्स बनाए ताकि वो टाइम टू टाइम उसकी रिविजन कर सकें। जैसे शिव, आप दिखा ही रहे थे, आप जरूर दिखाइए बच्चों को कि आपने जी कैसे नोट्स बनाए थे। जी सर, जैसे ये जून 2015 का ये पेपर है उसका मैंने ये करीब 2 पेजेस में जो जो मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं आती है और पूछे जाने के चांस हैं, तो मैंने 2 पेजेस में सर जून 2015 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने लिख लिए थे। और ऐसे करके मैंने करीब 15 से 20 पेपर्स हैं 2012 से लेकर 2023 तक के, तो मैंने सर सारे शॉर्ट नोट्स रेडी रखे हुए थे अपने। ज्यादा पेजेस नहीं लगेंगे, बहुत क्रिस्प रखना है इसको, क्योंकि अगर हम लिखने लग जाए तो सर बहुत सारी चीजें हैं जो नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं बट वो काम की नहीं रहेगी, तो उतना ही क्रिस्प रखना है। और ये देखना है कि इनसे बार बार चीजें पूछी जा रही हैं तो एटलीस्ट ये तो गलत करके नहीं आना है मुझे, क्योंकि अगर पिछले 10-12 सालों में अगर जैसे हिस्टोरियन आर कोलिंगवुड को लेकर जैसे 2-3 बार पूछा गया है तो उन्होंने ये बोला है कि ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट, तो मैंने उसको स्पेशली याद रखा हुआ था कि ये आया तो मैं मेरा गलत नहीं आना चाहिए। जी सर, मैं ये एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने PYQ जिस तरीके से अप्रोच किया है, अगर मैंने नहीं किया होता और मैंने एक एक क्वेश्चन को बार बार नहीं देखा होता, उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होते, रिवाइज नहीं किया होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 से 15 नंबर क्वेश्चंस का जो मुझे एज मिला है
वो शायद नहीं मिला होता और मैं फिर से नेट तक ही लिमिटेड रह जाता। तो ये जो PYQ को मैंने इस तरीके से अप्रोच किया और मुझे लगा कि PYQ से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं किसी भी कीमत पे गलत करके नहीं आऊंगी, वो तो मेरा सही होने ही होने चाहिए। तो इस वजह से मुझे करीब 10 से 15 क्वेश्चन का एज मिला है और आई थिंक किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को मिल सकता है इस तरीके से। शिव, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं आप कितने घंटे स्टडी करते थे, क्योंकि आप टॉपर हैं एग्जाम के, तो स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि क्या आप अच्छा फुल टाइम पढ़ते ही रहते थे हिस्ट्री को, या फिर आपने स्पेसिफिक टाइम रखा था सर, इसके लिए। जब JRF का एग्जाम होना था 6 दिसंबर को, उसके करीब 10 से 15 दिन तो मैंने फुल टाइम इसी को दिया, इसी एग्जाम को, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई और एग्जाम था नहीं, मेंस भी मेरा हो गया था UPSC का। तो मैंने उस टाइम पे तो पूरा कंसंट्रेशन जितना एफर्ट मैं लगा सकता हूँ JRF के एग्जाम के लिए लगाया था और 10 से 12 घंटे तो दिए होंगे, बट ये करीब 10 से 15 दिन की ही कहीं जो एफर्ट है वही था सर। वैसे भी मैं जब UPSC के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो हिस्ट्री भी उसमें पढ़ता ही हूँ। बात ये कि सर मेरी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या मेरे बेसिक्स वहां से स्ट्रांग थे, बट मुझे बस PYQ देखने थे और चीजों को रिवाइज करना था दोबारा से। बहुत बढ़िया। तो शिव, आपकी इस जर्नी में आपके पेरेंट्स ने कितनी हेल्प सर की? पेरेंट्स तो मेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जितना भी तुम एफर्ट लगा सकते हो UPSC में या तुम्हें जो भी एग्जाम देना है उसमें तुम लगाओ, हम हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे। तो सर बहुत ज्यादा उनकी तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा सर। सबसे पहले रिजल्ट किसको बताया था कि मेरा इस बार JRF हो गया? सर मम्मी को ठीक है, ठीक है। मम्मा पापा को सबसे पहले खुशी भी उनको ही होती है जिन्होंने जी आपके ऊपर ट्रस्ट किया जी हो। जी उनसे ज्यादा किसी को नहीं हो सकती सर। किसी को नहीं हो सकती, सही कह रहे हैं आप। तो शिव आनंद, आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? JRF तो आपको मिल गया, एकेडमिक लाइन आपके लिए बहुत अच्छी सेफ हो गई है, आप किसी समय भी PhD परस्यू कर सकते जी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो। तो इसके आगे क्या प्लान किया है, जी कि आप एकेडमिक लाइन में ही जाना चाहते हो या फिर आप UPSC अभी देना सर चाहोगे? मैंने जो अभी सोचा है वो तो ये है कि मैं इस साल UPSC एक बार फिर से दूंगा इस साल का अटेम्प्ट, और जैसा अगर अच्छा जाता है तो मैं इसमें सर्विस ले लूंगा, बट एट द सेम टाइम मैं PhD तो परस्यू करना ही चाहूंगा क्योंकि मेरा एकेडमिक रुझान रहा है शुरुआत से ही और मेरा मन था कि मैं एडवांस स्टडीज करूँ DU या JNU से अगर मुझे PhD मिलती है तो। और अगर नहीं भी होता है मेरा UPSC इस साल तो मैं सर अगले साल पहले JNU में या DU में PhD में एनरोल करवा के मैं पहले PhD करूंगा फिर उसके बाद UPSC के बारे में सोचूंगा क्योंकि मेरे पास अभी एज भी है और अटेम्प्ट भी है। जो स्टूडेंट आपको अभी देख रहे हैं वो चाहेंगे कि आपसे वो ऐसी टिप्स चाहें जिनसे उनका भी पहले प्रयास में या फिर दूसरे प्रयास में उनका नेट या फिर JRF हो जाए। ऐसी कौन सी ऐसी आप टिप्स देना चाहते हैं बच्चों को कि भाई ये वाली गलतियां आप मत करो, इस तरीके से पढ़ो? सर एक्चुअली क्या है कि JRF का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एफर्ट तो बहुत देता है बट उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता क्योंकि शायद वो सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं दे रहा है या उसे पता नहीं एक्चुअली कि चीजें करनी कैसे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट है किसी भी एग्जाम का, सबसे पहले दो ही चीजों से शुरुआत करे जब भी वो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, वो ये है कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट कर रहा होता है तो उसके पास दो ही बेंचमार्क होते हैं, या तो सिलेबस या PYQ। तो इनको आप बहुत अच्छे से देखो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करो ताकि आपको पता रहे कि मुझे किस डायरेक्शन में एफर्ट देना है, मुझे क्या पढ़ना है। जैसे मैं अगर JRF के एग्जाम की बात करूँ तो हिस्ट्री में सर ट्रेवलर्स को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं जो मेडिवल ट्रेवलर्स इंडिया में आए हैं, तो मैंने देखा कि अराउंड 10 से 12 ट्रेवलर्स हैं जिनको लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने ये चीज नोट कर ली, मैंने कोर्ट हिस्टोरियंस के बारे में देख लिया कि उनको लेकर हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें PYQ से ही पता चलती है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। तो जब ये चीज पता हो तो फिर उसके बाद आप उसी डायरेक्शन में एफर्ट दो और फिर आप प्रैक्टिस करके देखो, और अगर आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, अगर आपके आंसर्स गलत जा रहे हैं, तो फिर से उस पर एफर्ट दो कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कहूँगा जरूर कि एक बच्चे ने इतनी मेहनत से JRF क्वालिफाई किया है कि तो आपका भी
दायित्व तो बनता है कि आप नीचे अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर देना। शेयर करने से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाएगी जिन बच्चों को ऐसी इन्फॉर्मेशन की, ऐसी गाइडेंस की, ऐसी बुक लिस्ट की आवश्यकता है। तो शिव, आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, तो हमें बहुत खुशी है कि आपका JRF इस बार क्वालिफाई हुआ है। हम भविष्य के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम चाहते हैं कि आप जीवन में UPSC क्वालिफाई करें और फिर से आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।